हेलो गाइस, वेलकम टू भारत कैमरा ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। जो रॉयल एनफील्ड का एक प्रोडक्ट था स्टैंडर्ड 350, जो काफ़ी टाइम से रॉयल एनफील्ड का आ रहा था, पर उसमें कुछ खास अपडेट नहीं आ रहे थे। तो अब जो है 1 सितंबर को रॉयल एनफील्ड ने उसे लॉन्च किया है अपडेट्स के साथ। तो आज हम वही अपडेट्स देखने आए हैं, हो सका तो आज बुकिंग भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लीजिए जी, आपके सामने पेश करते हैं रॉयल एनफील्ड न्यू स्टैंडर्ड 350 बुलेट। काफ़ी अच्छी लुक के साथ आपको हेडलाइट में चेंज लगेगा। सबसे पहले फ्रंट से शुरू करेंगे तो रॉयल एनफील्ड की बैचिंग आती है मेन हेडलाइट में, और काफ़ी अच्छी दिख रही है न्यू हेडलाइट। अपडेट तो अच्छे ही लगते हैं सबको। चेसी देखिए, ये डबल चेसी के साथ आ गई है। ये क्लासिक 350 में आया करती थी चेसी, और स्ट्रॉन्ग हो गई है और चेसी इसकी डबल चेसी की वजह से। और ये टॉप मॉडल है इसका, आप देख सकते हैं टॉप मॉडल में सीट काफ़ी अच्छी दी गई है, कुशनी सीट है। लग रहा है कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब देख के बैठा भी हूँ मैं इस पर, काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये बैक से आप देख सकते हैं क्लासिक 350 जैसे ही, जैसे क्लासिक में आया करती थी वैसे ही बैक है। मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले जो था ये पेंडिंग था बहुत टाइम से अपडेट, जो ना आपका मीटर था काफ़ी पुराना लगता था। अब जो है फ्यूल चेक कर सकते हैं, ट्रिप सेट कर सकते हैं, इको मोड दिखा रहा है इसमें। अगर इसमें मोड्स हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को लगता नहीं मोड्स होंगे। बाकी आप किलोमीटर देख सकते हैं, बटन देख सकते हैं, मीटियोर स्टाइल बटन है। जैसे 650 में आते थे मीटियोर में, वैसे बटन दे दिए हैं। लाइट का बटन है, पास का बटन, और हैंडल बार्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इंडिकेटर, हॉर्न, ये सब कुछ आपके लेफ्ट में दे रखा है। और इंडिकेटर में जला कर दिखाता हूँ, ये देखिए पहले जैसे हैलोजन इंडिकेटर्स थे, इंडिकेटर्स वैसे ही दे रखे हैं, सेम, कोई चेंजेस नहीं इंडिकेटर्स में। तो पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं, ये न्यू जे इंजन जो है रॉयल एनफील्ड का आपको कितनी पावर देगा। 20 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करेगा, और 27 mm का इसका टॉर्क रहेगा। और न्यू जो फीचर्स हैं इसमें जो आपको दिए गए हैं तो उनका और बता दें, USB चार्जिंग, यस सही सुन रहे हैं आप, USB चार्जिंग आपको इसमें दी जाएगी। सिंगल चैनल ABS है, ओडोमीटर आपका डिजिटल है, और आप इसमें फ्यूल चेक कर सकते हैं, फ्यूल गेज देर क्या, लॉक अनलॉक आप ऊपर से ही हो जाएगा हैंडल से, पहले साइड से करना पड़ता था, अब ऊपर ही लॉक अनलॉक का दे दिया है। और आपका जो है स्पीडोमीटर एनालॉग दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा आपको, जो फीचर आपको बाहर से लगवाना पड़ता था वो आप कंपनी ही आपको देगी इलेक्ट्रिक स्टार्ट। और स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको ये मॉडल भी, हम अच्छा फील हो रहा है। बाकी जो चाहने वाले हैं, बुलेट के चाहने वाले, वो तो एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं, आपको पता है, हालांकि नॉर्म्स के अगेंस्ट है ये, पर चेंज कराते हैं वो। देखिए फ्रंट से देखिए इसकी लुक, क्लासिक के बराबर ही होगी ये स्टैंडर्ड, बस कलर स्कीम का थोड़ा फ़र्क रहेगा, बाकी तो सब कुछ इसमें स्टैंडर्ड में है ही। तब इनकी क्लासिक कैसे बिकेगी ये सोचने की बात है। ये है दूसरा कलर इसका, रेड कलर जो आया है, सबसे लोएस्ट मॉडल में है ये शायद, ये रेड कलर स्कीम, थोड़ा चटकीला सा कलर है पर ठीक है, कईयों को पसंद आएगा ऐसा कलर भी। ये इसका जो एक और कलर है, 5 colors में लॉन्च की गई है, ये 4th color जो है इसका, ये कुछ मैरून सा, कॉफ़ी सा कुछ लग रहा है मेरे को। ये भी काफ़ी अच्छी कलर स्कीम है, इसको क्रोम के साथ दिया गया। मेरे ख्याल से जो टॉप मॉडल है सिर्फ वही मैट में इंजन दिया गया, बाकी क्रोम के साथ इंजन दिया गया है सबके। तो कुल ओवरऑल मिला के काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से न्यू बुलेट 350। बेस मॉडल जो है 173 से शुरू होता है, बाकी वेरिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएंट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। टॉप वेरिएंट जो है 215 के आसपास जाता है, 215,000 के आसपास एक्स शोरूम। बाकी डिपेंड करता है कि किस सिटी में आप ले रहे हैं, उनके टैक्सीज क्या है, उनका RC चार्जेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पैकेज जो है रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कराया है। इनकी वैसे भी 350 स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बिका करती थी, अब ये फीचर्स डालने के बाद मेरे को लगता है और ज़्यादा है जो इसकी सेल होएगी। बट क्लासिक और इसमें बहुत ही कम डिफरेंस रह गया है, अब देखा ये जाएगा कि क्लासिक में क्या नए फीचर्स देंगे जो इसको स्टैंडर्ड से अलग करेगी। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ जो है इस बुलेट में जो आपको अच्छी लगी, और क्या फीचर्स जो इसमें मिसिंग है जो रॉयल एनफील्ड को देने चाहिए थे। और ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।